नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। लखनऊ के ला मार्टिन एयर बॉयज कॉलेज में दूसरा त्रिदिवसीय कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 9 फरवरी को होने जा रहा है। ऐसे में फिल्म जगत के फिल्मकार भी मंच पर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें फिल्मकार मुजफ्फर अली, तिग्मांशु धूलिया, गुरचरण, सत्यसरन और पुष्पेश पंत, फनकार उस्ताद गुलाम सिराज नियाजी समेत कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी। कौशल लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में आज की पीढ़ी के युवाओं के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। फेस्टिवल में और क्या कुछ खास होने वाला है, इसको लेकर हमारे संवाददाता अवनीश श्रीवास्तव ने डायरेक्टर और संस्थापक से खास बातचीत की है। कौशल लिटरेचर फेस्टिवल 2024 का अब आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए डायरेक्टर अमिताभ सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये आयोजन होने जा रहा है कौशल फेस्टिवल 2024 का, किस तरीके का सर है ये? ये 3 दिन का दूसरा संस्करण 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक, 11 फरवरी को इसका समापन होगा। और इसमें देश और विदेश से तमाम साहित्यकार, तमाम संगीत से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आएंगे और इसमें शिरकत करेंगे। करीब 35 स्पीकर्स इसमें प्रतिभाग करेंगे, जिसमें विदेशों से आए हुए लोगों में से हांगकांग से उस्ताद गुलाम सिराज नियाजी हैं और सिडनी से जॉन ज़ुब्रिस्की आएंगे। हिंदुस्तान की तमाम मशहूर हस्तियां हैं, लखनऊ के लोग हैं। हिंदुस्तान से पुष्पेश पंत, गुरचरण दास, मुजफ्फर अली, तिग्मांशु धूलिया, लखनऊ के लोग जो हैं उसमें हिमांशु वाजपेयी, पंकज भदौरिया और अभिषेक शुक्ला, इस तरह के तमाम लोग इसमें मौजूद होंगे। साहित्य की चर्चा के साथ साथ यहाँ पर जो जवान नस्ल है उसके लिए यंग यूथ का एक टैलेंट हंट का स्टेज लगेगा, जिसमें जो है पोएट्री और कॉमेडी और इन सब चीज़ों पर यूथ जो है पार्टिसिपेट करेगा और परफॉर्मेंस देगा। इसके साथ क्राफ्ट के स्टॉल्स होंगे, खाने के अलग अलग तरीके के स्टॉल्स होंगे। तो ओवरऑल फुल एंटरटेनमेंट यूथ के लिए, म्यूजिक से लेकर के साहित्य से लेकर हर चीज़ वहाँ मौजूद। तो देखिए, निश्चित तौर पे इस फेस्टिवल में कहीं ना कहीं यूथ के लिए और बाकी और तमाम लोगों के लिए यहाँ पर बहुत से ऐसे कलाकार आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए फाउंडर हैं, सर आपका परिचय? मैं प्रशांत कुमार सिंह, पेशे से मैं एक बैंकर हूँ और संयोग से एक लेखक हूँ। और हाल ही में हमने कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का लॉन्च किया है। इस साल इस बार इसका कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का सेकंड एडिशन है, जैसा कि अभी अमिताभ ने डिटेल शेड्यूल के बारे में बता दिया। सर, ये सेकंड एडिशन कितना खास होने वाला है यूथ के लिए और कहां पर इसका आयोजन किया जाएगा? सर जी, मैं आपको बता दूं कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि पिछली बार जितना यूथ आया था उससे कम से कम 8 से 10 गुना ज़्यादा यूथ इस बार अपने टेक द स्टेज ओपन माइक के लिए उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। फोकस किस पर रहेगा? फोकस हम देखिए, जो महारथी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं, संगीतकार हैं, उनका अनुभव जब युवा प्रतिभाओं के साथ मिलेगा तो जो क्षमा बंधेगा हमारा फोकस उसी पे है। क्योंकि हम केवल युवा अपनी नई क्षमता को बिना किसी अनुभव के, गाइडेंस के बिना नहीं उसको आगे ले जा सकते हैं। तो पुराने दिग्गजों का अनुभव और नए युवाओं का प्रतिभा, ये सारी चीज़ मिलकर जो क्षमा बंधेगा वही हमारा कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का मेन फोकस है। और आपको मैं बता दूँ कि जब समुद्र मंथन होता है तो रत्न निकलते हैं और जब विचारों का मंथन होता है तो अनुभव, ज्ञान, बुद्धि विकसित होती है। तो विचारों के मंथन के लिए ही कौशल लिटरेचर फेस्टिवल हमने लॉन्च किया है। सारे दिग्गज आके अपना अनुभव शेयर करेंगे, लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वहाँ पर डालेंगे। और मैं जब अपने कॉलेज डेज में था, यूथ डेज में था, तो मैंने गुरचरण दास की किताब पढ़ी थी इंडिया अनबाउंड और फिर बाद में पढ़ी थी द डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड। तो उस वक्त उन किताबों को पढ़ के मुझे लगता था कि कोई कैसे सोच सकता है इस लेवल तक। और आज इन 9 और 10 को जब गुरचरण दास वहाँ पर रहेंगे और मैं उनसे मिलूँगा, बाकी लोग मिलेंगे, तो ये जो एक अनुभव होगा ये एकदम अप्रतिम होगा। और लखनऊ की जनता को यही अनुभव देने के लिए हमने कौशल लिटरेचर फेस्टिवल स्टार्ट किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों, रिश्तेदारों और कलीग सबके साथ आएंगे और कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का लुत्फ उठाएंगे। यहाँ पे केवल लिटरेचर ही नहीं, आपको यहाँ आर्ट, क्राफ्ट, शॉपिंग और फूड भी मिलेगी। लखनऊ के जितने भी फेमस ब्रांड है ज़्यादातर आपको वहाँ मिलेंगे। तो एक पूरे दिन का परिवार के साथ एक अद्भुत अनुभव लेने के लिए जरूर आइएगा कौशल लिटरेचर फेस्टिवल। तो देखिए, इस बार ये जो कौशल फेस्टिवल लिटरेचर है सेकंड एडिशन, ये एक बहुत खास होने वाला है और ख़ास तौर पर यूथ के लिए। और जो भी यहाँ पर जो कलाकार आएंगे, तमाम प्रकार के यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अवनीश श्रीवास्तव, आज की खबर लखनऊ।